एक समय जिन दिन में पांडवा वनवास हुए उन टाइम की बात है। द्रौपदी जी भगवान विष्णु की पूजा करने वास्ते एक शास्त्र कमल मंगायो, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में शास्त्र कमल होना बहुत जरूरी है। अरे तो चारों ही पांडवा ने अर्जुन युधिष्ठिर सहदेव नकुल सब ने कहो सब नटका शास्त्र समुद्र सात पार करन पछ जाओ जन वो फूल मिले अन पछ लेन आई जे वो फूल लेने जाओ तो पाछो नहीं आई जे इन वास्ते दुजोड़ा तो नटका। भीव जी एक दिन जिलिया भीव जी ने पूछियो कि थे ला सकोगे चार नटिया जी थे ही नटो के बोलो तो सही कोई शास्त्र कमल लावनो है मारे विष्णु भगवान की पूजा करनी है के तो मैं ले आऊ। भीव जी गया कमल लेने वास्ते ले परान पाचा आगा पर पाचा आया जी ते हाँ निकले जड़ो शरीर होगो एड़ी स्थिति होगी और मन में इतना मोदी का मन में इतो घमंड आगो जिन्हें कोई पानी ने अहंकार सबो खतरनाक दिया करे इन संसार में हेंगो मोटी है घमंड के विद्या जो बन जाती धन प्रभुता सुंदर रूप अरे कुल मदिरा अष्ट तजे थारी महिमा बड़े आठ प्रकार रो घमंडे पहलो विद्या रो घमंडे दूजो जवानी रो घमंडे तीजो जाति रो घमंडे सो तो आदमी में पैसे रो घमंडे पौसो प्रभुता रो घमंडे सतो सुंदरता रो घमंडे हाथो खुल्लो घमंडे आठो नशे रो घमंडे आठ प्रकार का घमंडे इन घमंडों नो त्याग करनो पड़े। विचार करे केवे की भाई इन मेरी इन अहंकार रो त्याग करेला तो बेड़ो पार वेला नहीं तो मझधार में डूबनो पड़े। तो अट भीवजी ने अहंकार आगो के मुंह ओन लाऊंगी जे सारी नटका और फूल तो मार बिना आ ही नहीं सके यो करण ओ मामलो थोड़ी बोंद बिया जीते तो धके एक बोंद रो बैठो भीमजी आवे उन रस्ते रे माते बहनो उन पूछ नो क्योड़ी धके भीमजी विचार करियो नी ओ बड़े कुने इन पूंछड़ी ऊपर पहला रे मिनट इनी साबु कोई चीज है डाकता नहीं उलंगता नहीं। भीमजी कह रे भाई कौन है तू आधारी पूंछड़ी अलगी ले ले नी मैं ऊपर हूं तो डाकू को नहीं वो बोंदरो के मैं बूढ़ो हूं अन तू भाई हाथ गाले कहू बेटो ठा पड़े जो देखो मामलो बने नीचा झुकिया भीम जी उठावण लागा पूंछ जी नीचा झुकिया भीम जी उठावण लागा पूंछ उठावण लागा पूंछ जतको पड़ियो जोर रो जतको पड़ियो जोर रो रे नीचियो की मूंछ जतको पड़ियो जोर रो रे नीचियो की मूंछ भीमड़ो झटके गोटी जानी रे अपर बलि बलवान भीम जी जटके गोडी झाड़ी भाई दे अपर बलि बलवान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो हनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो भाई अजनी रो हनुमान अजनी रो हनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान अजनी रो हनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो हनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो बोल भक्तुर भगवान की केवे नीचे झुकिया भीम जी उठावन लागा पूंछ पूंछड़ी ने उठाने वास्ते भीम जी आप रो हाथ गालियो नीचे झुकिया भीम जी उठावन लागा पूंछ झटको लागो जोर को तेल रो पीपो भरियोड़ो वे अन एक अड़को खाली वे तो खालोड़े पीपे ने पूंछ ले जन जोर उतो ही लगाऊ को पीपो तो खाली है जन थाके तू नी साबु लगाऊ अन खाले री जगह भरियोड़ो पीपो रखियोड़ो वे अन जोर खालोड़े हिसाब पड़ियो है तो बेटो मामलो अलग ही आप खुद ही झुक जाओ जन भीम जी उन्हें खाली पूंछ ली ने सकर रे में वो हाथ गालियो ना एक देख पूंछ ने कहूं जन ही बौंदरे ने पूरे ने फेंक दे हाँ
अब पूंछ रे शकर में वो एक हाथ डालियो जे वो पूंछ रे में वो झटको पड़ियो एड़ो जो धड़ देन गोडी टलकी भीम जी कह रहे ओ कोई पूंछ है पूंछी रे अबे तो एक हाथ डालियो जिनो ऊपर एड़ी स्थिति कर दी जन भीम जी उन फूल हो एक हाथ में जो फूल ने तो मेले हेटो पर विचार करियो वन में तो हमें अपने इन पूंछ ने हावल ठाए उठावणो पड़ी अब फूल ने हेटो मेलियो और पूंछ ने उठावने वास्ते भीम जी दो ही हाथ गाले और दो ही हाथ गालन केवे अरे नीचो मिलियो फूल ने रे दो नो घाल्या हाथ जी नीचो मिलियो फूल ने रे दो नो घाल्या हाथ भीम जी दो नो घाल्या हाथ भीम जी दो नो घाल्या हाथ ओ जटको पड़ियो अरे जोर पड़ियो सा तीरी माई जोर पड़ियो सा तीरी माई थर थर कांपे हाथ जोर पड़ियो सा तीरी माई थर थर कांपे हाथ अभी तो पुणते अब तो कौन थे आमी हो गया रे अपर बलि बलवान भीम जी एक दिन काम जोर को कर गया मारा अजनीरा हनुमान एक दिन काम जोर को कर गया मारा अजनीरा हनुमान अजनीरा हनुमान मेरा पवन पुत्र हनुमान अजनीरा हनुमान मेरा पवन पुत्र हनुमान एक दिन काम जोर को कर अजनीरो हनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनीरा हनुमान केवे नीचो मेलियो फूल ने दोनों गालिया दो ही हाथ गालिए देख एड़ी पच पूंछ कैड़ी थी नीचो मेलियो फूल ने दोनों गालिया हाथ जोर पड़ियो साती रे माई ने थर थर कांपे हाथ उठे छाती में तो जोर पड़ियो भीम जी कह रहे होन मत वो अपे अट कोई न कोई भाकरू भिड़गा और कोई अपर ऊपर लो दिखे होन मत वो मामलो है गड़बड़ कर दियो जिनते में भीम जी अब खुदरा हाथ धुजन डूगा गोडा धुजन डूगा अनवा पूंछड़ी बेड़ी दो या तो हिली नहीं भीम जी विचार करियो कि अब वो है कौन एड़ो कौन है जी को माऊ है ठो अब भीम जी उठो विचार कर उबा रिया दो मिनट उबा रहे प्राण केवे भाई थे हो कौन हाँ वो तो लगा खाली पूंछ हिलाई नहीं जद भीम जी मिली धाप जी खाली पूंछ हिलाई नहीं जद भीम जी मिली दाप रे जद भीम जी मिली दाप अरे खाली पूंछ हिलाई न जद भीम जी मिली दाप जी खाली पूंछ हिलाई न जद भीम जी मिली दाप ओ बानर रूप बना कर बेटा बानर रूप बना कर बेटा कौन हो दाता आप ओ बानर रूप बना कर बेटा कौन हो दाता आप मान थे आज थे माने बात बतावो रे अपर बलि बलवान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनीरो हनुमान अजनीरो हनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान अजनीरो हनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनीरो हनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनीरो हनुमान अब कहवे कि हनुमान जी महाराज जिन टेमरे में कहवे कि भाई थे वो बांदर रूप बनान बैठा हो खाली पूंछ माऊ ऊंची नहीं आ रही है एक और शास्त्र कमल ले पर आयो मनी तो अहंकार आयो अन आज मैं ये खाली पूंछ नहीं ऊंची ले उन्हीं क्षमता में नहीं हूं खाली पूंछ हिलाई नहीं जब भीम जी मेली धाप हाँ बांदर रूप बनाकर बैठा कौन हो जाता आप आ जोड़न भीम जी उब गागते हो कौन मन पहली दाखो कहें कि तोरो परिचय दो मने मन हाची बात बताओ कि आप हो कौन उन टेमने में आप रो परिचय बतावे
अरे अजनी मारी मात कही जे हनुमान मेरो नाम रे, अजनी मारी मात कही जे हनुमान मेरो नाम रे। अजनी मारी मात कही जे हनुमान मेरो नाम रे, अजनी मारी मात कही जे हनुमान मेरो नाम रे। तू ए छोटो भाई मारो मैं हूँ छोटो, अरे मैं हूँ मोटो भाई रे। तू ए छोटो भाई मारो मैं हूँ मोटो भाई रे। काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो हनुमान, एक काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो हनुमान। काम जोर को कर गयो मारो पवन पुत्र हनुमान रे, काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो हनुमान रे। कहवे अजनी मारी मात कही जे हनुमान मेरो नाम, मारी माँ तो अजनी है और उन पुत्र हनुमान मारो नाम है। तू है छोटो भाई मारो मुँह हूँ मोटो भाई, ए भाई तू तो मारो छोटो भाई है, मुँह थारो मोटो भाई हो। तो उन टाइम के तू थे मारा भाई हो, आ घटना मारे हाथ थे करने रो कारण कही। जन कह रे भैया एक छोटो भूल लेना है बेटा, बाप आली तो थाने घना काम करना, बाकी क्योंकि जिका काम करना थाने बाकी है नी, वे काम कर ही नहीं पहली तू ओ घमंड कर दियो जन वे काम की करो। के की कर गए एडो भारी युद्ध होना लिखियो है, और उन युद्ध रे में अगर तू इन भूल रो घमंड लियो बैठो तो उनमें तो कई मोटा मोटा काम करना बाकी है। उन टाइम रे मैं तारे वो घमंड रो नाश करने वास्ते आ मैं वो काम करियो। अजनी मारी मात कही जे हनुमान मेरो नाम, तू है छोटो भाई और मैं हूँ मोटो भाई, भाई मु थारो मोटो भाई हूँ और इन वास्ते थने क्यों वास्ते सेताओं ने वास्ते आयो। अरे अरे के क्यों के सेताओं ने वास्ते केवे एडी, अरे मारा भाई बिवजी गरबो नाही रे, मारा भाई बिवजी गरबो नाही, मारा भाई बिवजी गरबो नाही रे। गरब कियो जी जगनागर सागर रे, गरब कियो रती नागर सागर रे। निरखारो करी डारियो रामा, निरखारो करी डारियो भाई बिवजी गरबो नाही रे, मारा भाई बिवजी गरबो नाही रे। गरब कियो उड़े डूंगरनी सिरमी रे, गरब कियो डूंगररी सिरमी रे। रंगकारो कर डारू मारू मुंडो करी ओई कालो, भाई बिवजी गरबो नाही रे, मारा भाई बिवजी गरबो नाही। गरब कियो उण जगवी जगबो रे, गरब कियो उण जगवी जगबो, ओ रे
मारा भाई बीवी करबो नानी रे और गर्भ मत करो, फूल लायो बढ़िया बात है, भगवान विष्णु की पूजा हो जाए, पर गर्भ करो और ठीक कौम लिए गर्भ करियो। जिका जिका इन संसार में सबों ने थानी इतिहास बता दू, उन टेम के गर्भ कियो रत्नागर सागर नीर खारो कर डालियो। ए भाई उन रत्नागर सागर गर्भ करियो और उन पानी खारो जहर कर दियो, शंकर भगवान मंथन करा दियो। पार्वती जी कहवे पानी ने गया, जिन टेम शंकर भगवान पल में बैठा जिन टेम उस रत्नागर सागर बोलियो, हे देवी आप उन बाबे रे लारे कौ करो, आप उन बाबे रे लारे कौ करो, उन गुडे की नहीं मैं रत्नारो भंडार हूँ, मार्गडे सौदे रतन है, अन सागर में सौदे रतन आकिया, श्री रंबा विश्वारणी अमी शंक गजराज देनु धनु धनंत्री मणि शशि कलपक्ष और बाज, ये सौदी रतन आज न भगवान शंकर ने आन कुण कहो। पार्वती जी जल भरने को गई गवर प्यारी, उठे उन टाइम में पार्वती जी पानी बन पाच आवे, जन शंकर भगवान कहवे बाबा थे तो पल लगान बह जाओ, मिनक धनी बन डूगा है मारा माडे बने धनी, उन टाइम में डोगरो तिजोड़ी आँख खोली, जिन टाइम में समुद्र कने जान कहवे शीर सागर वो मंथन करायो जने समुद्र रतन बारे कड़न पानी खारो जेर बेगो, जने कहवे गर्भ कियो रत्नागर सागर नीर खारो कर डारियो। अरे मारा भाई भीमजी थे गर्भो मती, इता गर्भो मती नहीं तो कामरो नहीं है, गर्भ कियो उन डूंगरी सिर में, अरे मुंह कर दीनो कालो, अरे मारा भाई भीमजी गर्भो मती। फिर कहवे कि गर्भ कियो एक छकवो छकवी रैन बिचेवा डारी, छकवो छकवी रात्रि टेमरे में धनी लुगई एक पेड़ माते रहवे तो अभी दुश्मन जी रहवे, एक पेड़ माते बैठा रहे तो दुश्मन बैठा रहे, जो बैठा रहे रात भर वे एक पेड़ रहे मातो, एक रो दिल्ली अमीन एक रो जयपुर अमीन मुंडो योडो, और परबात्री टेम वे दोनों जना, हाँ जन कहे रे भारे भीजी गर्भो मथीना। तो इति बात कहो तो भीजी नमज में आ गई, हो आ तो बात में अहंकार भजी उड़ा दी, मुंह गर्जान भाइयों लड़ाई कर सकते, ये दे हैं नटकान मुंह देखो भूल लायो कि तो मुसीबत रो काम हो तो मैं पूरो करियो, तो इन वास्ते मने रस्तो बताऊं वास्ते आ बात करी। तो हनुमान जी महाराज ने भीम जी कहवे कि एड़ो युद्ध होनाड़ो है, ये लो लड़ाई होनाड़ी है, तो आप किन की बाप जी मोरी रक्षा करने वास्ते, आप मने ताकत आप री इतनी ताकत है तो थोड़ी बहुत तो मनी दे सको। उनटे में हनुमान जी महाराज खुद कहवे आदो बड़ थारी भुजा में रहसी मैं दर्शन नहीं देऊं जी, आदो बड़ थारी भुजा में रहसी मैं दर्शन नहीं देऊं, हनुमत में दर्शन नहीं देऊं, आदो बड़ थारी भुजा में रहसी मैं दर्शन नहीं देऊं जी, आदा बड़ थारी भुजा में रहसी मैं दर्शन नहीं देऊं। अरे अर्जुन के अर्जुन के रति माई ने वो धजा बीच में रहूं, अर्जुन के रति माई ने मैं धजा बीच में रहूं, एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनीरो हनुमान, एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनीरो हनुमान, ओ अजनीरो हनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान, अजनीरो हनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान, एक दिन काम जोर को कर क्यों मारो अजनीरो हनुमान।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी के महाराज आप रे कने इतनी ताकत है और आपको बैठो युद्ध होना लो है तो थोड़ी बहुत ताकत आपनी भी मोने दे दो बाप जी। तो हनुमान जी के आधो बल थारे भुजा में रहसी, मारी आधी ताकत थारे भुजा में रही, पर मैं दर्शन खुद नहीं देऊं, मुदी कुला नहीं, आधो बल थारे भुजा में रहसी, मैं दर्शन नहीं देऊं, अर्जुन के रथ मायने में धजा मायने रहूं, अर्जुन के रथ में धजारे ऊपर मैं रहूंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन और हम ही करण। अब करण ने रथ माते बैठे रे बाण अर्जुन भावे के 10 फुट ला रहे के, अर्जुन भावे जिंदे में करण रथ रे बाण भावे के बेटो 2 फुट ला रहे के। तो भगवान कृष्ण के वारे करण वारे करण वारे करण, जन अर्जुन के बाप जी थे करण हम ही आंख मारा हम ही हो पहल तुम नाखो मु 10 फुट हिरका हूं करण लो रथ जको तो मने थे बड़ाई करो ही कोनी नो 2 फुट हिरका हो थे के वारे करण वारे करण। जन कह रे भाई बड़ाई रे लाए काम करनी हो तो करनो पड़े बड़ाई, अर्जुन देख रहे एड़ी केड़ी बड़ाई करनी आ तो हम ही मने कमजोर करने वालों काम है। जन के बाबू जी ओ काम मने दा नहीं आ रही थे मारा सारथी ओ करण दर सारथियों के सारथी थारो मन में इन वास्ते थने बताऊं। उन टाइम में कहो भगवान कहवे रे थने ठा है के कहीं कि जिको रथ थने दियोड़ो मिलियोड़ो है और रथ कियो है इन रथ री पहचान थने खुद ने ठानी और रथ अगर थारो करण जो आम रथ हो तो नहीं तो इन बाण दे धके और रथ ठाई भी नहीं रहते। ओ युद्ध जिन टाइम में समाप्त वेला महाभारत रो जिन टाइम में थन ठा पड़ियो रथ कियो अन पहली बात हुई तो भयंकर मोटो रथ अन दूजो उन रथ रे माथे 3 लोक रो वजन मारे खुद में मैं बैठो माथे अन दूजा हनुमान जी खुद बैठा है ऊपर धजा माथे अन पाथो तो कोई हिरकारियो अन मुंह नी उन हनुमान जी ने रथ माथे नी वे तो थारो कटी पतो ही को लागे एक बॉन्डो इज काम रागे है के एक बॉन्डो इज काम है वो तो सिर्फ करण एकलो बैठो तो ही तू 10 फुट हिरकावे ने बता मोटो कौन वियो क्या प्रभु मोटो तो करण भी हो तो आ चीज है भाई बखान कर रहे लायक वेदन में करूं। जन कहवे आदो बल थारे भुजा में रेसी मैं दर्शन नहीं देऊं अर्जुन के रथ मायने धजा मायने रहूं। एक दिन काम जोर को कर गयो अजनी रो हनुमान तो हनुमान जी महाराज इन प्रकार भक्तरी बात ने राखी पर वाने पको था कि जिन टाइम में अहंकार आ जावे आदमी ने अहंकार में आदमी मरे भेगो उन आदमी रो नाश भेगो है तो आपरे भक्त ने अहंकार बारे काटने वास्ते भगवान किन किन रूप ने में आ जावता हमें। भुजा पसार कंठ सु दोनों मिलिया भाई भाई भुजा पसार कंठ सु दोनों मिलिया भाई भाई दे भाई मिलिया भाई भाई ओ दास राज चरनारो साकर दास राज चरनारो साकर ऐसी लीला गाई ओ दास राज चरनारो साकर ऐसी लीला गाई। एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो अनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो अनुमान ए अजनी रो अनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान अजनी रो अनुमान मेरो पवन पुत्र हनुमान एक दिन काम जोर को कर गयो मारो अजनी रो हनुमान कहवे भुजा पसार मिले दो दोनों मिलिया दो ही भाई भाई दास राज चरणारो साकर ऐसी लीला गाई अरे एक दिन काम जोर को कर गयो मारो पवन पुत्र हनुमान। तो आपरी भक्तरी रक्षा करने वास्ते भगवान किनी रूप में आ सके आ ध्यान रखनी। इन संसार हर आदमी तुलसी इन संसार में सबको दीजिए मान तुलसी इन संसार में सबको दीजिए मान क्या जानो किस रूप में तने आई मिले किन रूप में ईश्वर अपने दर्शन दे सके।